अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदेद। बहुत से कमेंट्स में मुझे बहनों ने पूछा कि आप ही हमें हेयर स्टाइल के बारे में भी कुछ बताएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने बिगनर्स को हेयर स्टाइल के बारे में बताऊं और बहुत अच्छा सा बन बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बिगिनर्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप हैं। ये हम बालों को पहले इस तरह से पार्टीशन कर कर फ्रंट एरिया पर क्रिम्पिंग कर लेंगे। इसको बालों, ये क्रिम्पर है और इस तरह के बालों को करना क्रिम्पिंग कहलाता है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट अलहदा क्रिम्पिंग कर लेने के बाद अब हम ये पीछे क्राउन एरिया पर आ गए हैं। क्राउन एरिया पर आपने बैक कॉम्बिंग कर कर बालों को इस तरह बिठाना है। बालों का वन पार्ट लेना है, उसके बाद उसको बिठा के उस पर स्प्रे करके साइड पे कर देना है। फिर सेकंड पार्ट लेना है, उसको भी इस तरह से बैक कॉम्ब कर कर बिठा कर उस पर स्प्रे कर देना है। ये देखें, ये इस तरह से। इस हेयर स्टाइल में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप डोनट लगाकर, बन लगाकर बालों को एक खूबसूरत बालों का बन बना सकते हैं, रियल बालों का। उसमें आपको कोई एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत प्यारा सा बड़ा सा बन बना सकते हैं। अब हम ये फ्रंट के बालों पे उल्टी मांग निकाल कर, तो तीन हिस्से बालों के, जैसे चुटिया के तीन बनाते हैं ना, तीन हिस्से करते हैं बालों के, उस तरह से ये देखें तीन पार्ट लिए हैं। ये देखें, ये तीन पार्ट लेकर इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम ब्रेड को बढ़ाएंगे। इसको फ्रंट ब्रेड भी कहते हैं, फ्रेंच ब्रेड भी कहते हैं, कोई सा भी आप नाम ले दो, है ये ब्रेड ही। बहुत नीट नीट से बालों को लेते आना है और एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। जितना नीट बाल लेंगे उतना ये नीट और अच्छा स्टाइल बनेगा। और छोटे छोटे से बाल जो आगे बेबी हेयर होते हैं, उनको बहुत सलीके से आपने इसके अंदर इस तरह से करके, अगर ना वो आपसे कंट्रोल हो तो आप थोड़ा सा वेट हाथ लगाकर उन बालों को कंट्रोल कर सकती हैं। मैं आपको डमी के ऊपर भी बनाकर बता सकती थी, लेकिन डमी स्टाइल से यूट्यूब की गैलरी भरी पड़ी है। मैंने इसलिए रियल सर के ऊपर रियल बालों से बनाना बता रही हूँ, क्योंकि डमी पे स्टाइल बनाना बहुत आसान है, बहुत नीट बनता है। असल होता है रियल बालों को कंट्रोल करते हुए स्टाइल देना, क्योंकि गर्मियाँ हैं, पंखा भी चलाना है, रियल बाल फिर उड़ते हैं और नीट नहीं बैठते। तो इस तरह से बार बार प्रैक्टिस से बहुत जल्द आपके बाल बहुत नीट, बहुत अच्छे बनेंगे। बिल्कुल इस तरह से नीट स्टाइल के साथ आपने ये सारा बनाना है और बेबी हेयर्स को अंदर लेते हुए बहुत अच्छे से ये ब्रेड क्रिएट करनी है। आपने चुटिया बनाकर और उसके साइड से इस तरह से आपने उसका थोड़ा सा विंग्स निकालने हैं। ये थोड़ा सा इस तरह की ब्रेड बना के इस तरह विंग्स निकालने से आप बहुत से स्टाइल बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो।
ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी ब्रेड बढ़ानी है, उसके साथ उसका ये एक पार्ट ऊपर को उठा देना है विंग की तरह। इस स्टाइल को रियल में देखने से ऐसे लगता है जैसे रियल बालों के फ्लावर पड़े हुए, रोज पड़े हुए सर के ऊपर, बहुत प्यारा बनता है। और पिने आपने इस तरह से लगानी है कि वो बहुत ज़्यादा लगी हुई फील ना हो, बड़ी सफाई के साथ आपने इसमें जुड़ा पिन के साथ ये स्टाइल बन रहा है, जुड़ा पिने इसमें लगानी है। और जी ये मैं इसके ऊपर थोड़ा स्प्रे भी लगा रही हूँ, कलरफुल स्प्रे आप इनके ऊपर कर सकते हैं। और ये रियल फ्लावर लुक हेयर स्टाइल, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये है हमारी फाइनल लुक, उम्मीद है स्टाइल आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।